हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्वराज 744 या फिर देख सकते हो बहुत पुराना है गाड़ी। इसका जो है गियर बॉक्स हम खोलेंगे। गियर बॉक्स का जो है कि कैरियर यूनिट देख सकते हो, ये यूनिट ख़राब हो चुका है। देख खराब हो चुका है जिसके कारण बहुत आवाज़ कर रहा है। बहुत पुराना गाड़ी है और थोड़ा हाइड्रोलिक में भी हाइड्रोलिक जो ऊपर कम आ रहा था उसको भी हम एडजस्ट कर दिया है ये वाला बोल्ट से। देख सकते हो अभी पूरा जो है गाड़ी को अलग करेंगे। पहले को जो है गियर बॉक्स का जो बोल्ट उसको ढीला कर रहा है। ढीला करने के बाद गियर बॉक्स को अलग कर लेते हैं। किस तरीके से कैरियर यूनिट चेंज किया जाता है उसको दिखाएंगे आपको। और देख सकते हैं इसका जो बुल गियर का दाता है ये भी काफ़ी टूट चुका है। स्टार गियर का भी पिन बहुत हिल रहा है, बहुत इसका भी काम है। पूरा देख सकते हो पूरा लोहे का जो बाबरी है, लोहे का टुकड़ा अंदर में पूरा पैक हो चुका है। चलो थोड़ा घुमाओ भी चक्का को, न्यूट्रल कर, आराम से घुमा थोड़ा। हाँ घुमा घुमाओ घुमाओ। चक्का में आवाज़ कर रहा है क्या? थोड़ा जोर से घुमा। बेरिंग भी टूट चुका है, काफ़ी सारा काम है गाड़ी में। जैसे तो चक्के में भी आवाज़ कर रहा है, इसको भी चक्का भी खोलना पड़ेगा। इसका जो है बेरिंग टूट चुका है। पहले जो है गियरबॉक्स का काम कर लेता हूँ, उसके बाद चक्के का काम करेंगे। चलो खोलो। देख सकते हो गाड़ी को जो अलग कर लिया हूँ, इसका जो तो सिम्स है किस तरीके से टूट चुका है। देख सकते हो पूरा जो गाड़ी एक गियरबॉक्स है पैक हो चुका है। इसका छर्रा भी निकल गया है। पीटीओ का देख सकते हो शाफ्ट ये भी इसमें भी खरोच आया है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। चलो इसको निकाल, खींच इसको, इस तरीके से ऊपर वाला खींच। देखो ये भी जो है खरोच आ चुका है इसमें, इसमें भी देख सकते हो। दोस्तों हाइलो का जो गियर है इसमें भी खरोच आया है। बहुत गियर लगने में दिक्कत हो रहा था और गियर में बहुत आवाज़ कर रहा था। पट्टी प्लेट पूरा घूट चुका है, घूट गया है पूरा जो घूट गया है। ये भी बच गया है, हालांकि एक प्लेट है जो घूम गया है। ये भी दांत, इसका भी दांत खराब हुआ है। देखता हूँ कस्टमर अगले वाला जो चेंज करने से इसको चेंज कर दूँगा, नहीं तो ये चलने का मूड भी है, चलेगा, एकदम खराब नहीं हुआ है। चलो तो फिल्टर का भी खोल देना ना, फिल्टर को भी सफाई नया डालना है इसको और पूरा सफाई करो गाड़ी में, गाड़ी को। तो इसका जो कैरियर यूनिट इस तरीके का सिंक्स पर सेट देखो सर 3685 रुपये है, 86 ना सौरभ 744 के एफ ई के नाम पे है। आरपीजी कंपनी का है, देख सकते हो 855 के नाम का जो सिंस है, इसको किस तरीके से उसको सेटिंग कर लेना है। आसानी के साथ सेटिंग करना है। ऊपर में भी एक सिंस,
देते हैं प्लेट। अभी इसका बोल्ट बोल्ट तो पूरा जो कैरियर यूनिट को सेटिंग कर लिया हूँ, इस तरीके से फ्री रहना चाहिए, हाथ से घूमना चाहिए। इसका जो हाई लो का कुछ इस तरीके का गियर, उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से सेटिंग करके इस तरीके से बोल्ट को टाइट कर देना, इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जो खराब हो चुका है, इस तरीके से कुछ सही करके रखना है। ये कपलिंग नीचे भी कपलिंग कार मामा जी का देख सकते हो, पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। फिटिंग कर लिया हम, पूरा कंप्लीट है। अभी इसका जो एनामल लगा के टापा का पैकिंग लगा के टापा को सेट करके इसका स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको।